ई स्कूटर टोटल ये दो वेरिएंट में आता है, ना इसमें लाइसेंस का जरूरत है ना आपको इसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का जरूरत है। इसका जो लीड एसिड है ना ये कितने घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, कितना रेंज देता है, लिथियम एसिड में है ना कितने घंटे में चार्ज हो जाता है, वो कितना रेंज देता है, 12 वोल्ट का 5 बैटरी मिलता है। आपका जो बैटरी है ना करीब करीब 5 साल चलेगा। आप इस गाड़ी को करीब करीब 120 से 130 किलोमीटर चला सकते हो। अब भैया ये ऑटो कट क्या होता है, आपको ऑटो कट मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा चीज जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में लोग देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप एकदम मस्त हो। भाई सामने अपनी खड़ी है डेल्टिक की ई स्कूटर। आप देखोगे ना तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ डेल्टिक कंपनी के बारे में। डेल्टिक कंपनी जो है वो टोटल दो गाड़ी बनाती है। पहला तो ये अभी हमारे सामने आप ई स्कूटर देख सकते हो। स्कूटर के साथ साथ यहाँ पे डेल्टिक कंपनी जो है वो ई रिक्शा भी बनाती है। ई रिक्शा की भी मैन्युफैक्चरिंग है और ये स्कूटर की भी मैन्युफैक्चरिंग है। सबसे पहले मैं आपको डेल्टिक कंपनी के बारे में बता देता हूँ। तो 2016 में ये डेल्टिक कंपनी आई थी हमारे इंडिया में। ये इंडिया का ही अपना प्रॉपर ब्रांड से बात कर इसकी हेड ऑफिस की तो दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना वो दो जगह पे होता है। एक जगह आप देखोगे तो आपको यहाँ पे वर्धमान कोलकाता के पास होता है, वर्धमान में होता है, और एक जगह जो इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है वो गाजियाबाद में होता है। तो कंपनी के बारे में तो आप लोगों ने समझ गया। अब आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टिक का ये जो मॉडल है ना ड्रिक्स मॉडल, अभी आप हमारे सामने इस स्कूटर का देख सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जो ड्रिक्स मॉडल है ये टोटल कितने वेरिएंट में आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ई स्कूटर टोटल ये दो वेरिएंट में आता है। दो वेरिएंट बोलने का सेंस कि एक आता है लीड एसिड में, भाई इसका हर चीज सेम रहता है, बस इसका मेन जो चेंजेस होता है ना वो बैटरी का चेंजेस होता है। इस स्कूटर में देखोगे आप बैटरी का चेंजेस होता है। पहला जो इसका बैटरी है वो लीड एसिड का बैटरी आता है और दूसरा जो बैटरी आता है वो आपको लिथियम एसिड का बैटरी आता है। अभी मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा। ये जो गाड़ी है ना 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड है। ये गाड़ी को खरीदने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर इस गाड़ी को राइड करते हो तो आपको विदाउट लाइसेंस भी राइड कर सकते हो, ना इसमें लाइसेंस का जरूरत है ना आपको इसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का जरूरत है। तो आप इस गाड़ी को सीधा सीधी ऑन रोड प्राइस पर खरीद सकते हो। अभी मैं आपको आगे प्राइस भी बताऊंगा। ये बताऊंगा कि इसका जो लीड एसिड है ना ये कितने घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, कितना रेंज देता है, लिथियम एसिड में है ना कितने घंटे में चार्ज हो जाता है, वो कितना रेंज देता है, बैटरी का क्या वारंटी है, मोटर कैसा है इसका, मैं आपको सबसे पहले ये सब चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले तो चलिए आइए मोटर से स्टार्ट करते हैं कि इस गाड़ी का मोटर कैसा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसके पिछले वाले टायर के पास आपको इसका मोटर लगाया हुआ है। मोटर मैं आपको बता दूं तो 1000 वाट का BLDC का आपको यहाँ पे कंपनी मोटर दे देती है। साथ ही साथ अभी मैं आपको बताता हूँ अब इसके बैटरी के बारे में। बैटरी के बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहले लीड एसिड आता है, दूसरा लिथियम एसिड आता है। लीड एसिड में आपको 12 वोल्ट का 5 बैटरी मिलता है, वो मिलकर 60 वोल्ट का पावर बनाता है। तो 60 वोल्ट का जब पावर बनाता है तो 5-5 बैटरी लगाना पड़ता है लीड एसिड में। और लीड एसिड में क्या होता है ना कि आपका जो बैटरी का रेंजेस है ना, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, बैटरी का जो रेंजेस है वो आपको लगभग आराम से 2 साल से 2.5 साल आप बैटरी चला सकते हो। लेकिन वही भैया अगर आप लिथियम एसिड लगाते हो तो लिथियम में क्या होगा ना कि आपका जो बैटरी है ना करीब करीब ये 5 साल चलेगा, 5 साल चलेगा और रेंज भी ज्यादा देता है लीड एसिड। अभी ये जो गाड़ी है ये प्रेजेंट में लीड एसिड में है। लीड एसिड के बारे में मैं बात कर लूं तो ये गाड़ी आप आराम से 80 से 90 किलोमीटर एक बार फुल चार्ज करने के बाद चला सकते हो। ये जो गाड़ी है 5 से 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। अगर आप लीड एसिड का बैटरी यूज करते हो तो आप 80 से 90 किलोमीटर चलाओगे। और वहीं पे आप अगर आप लिथियम बैटरी यूज करते हो, लिथियम बैटरी आपको सिंगल में ही मिलता है, एक ही बैटरी मिलता है सिर्फ, लिथियम बैटरी यूज करते हो तो आप इस गाड़ी को करीब करीब 120 से 130 किलोमीटर चला सकते हो। इसका टॉप स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर का रखा गया है। वहीं अब बात करते हैं मोटर में क्या वारंटी मिलेगा, बैटरी में क्या वारंटी मिलेगा। तो अगर आप बैटरी है ना लीड एसिड का भी बैटरी का वारंटी आपको लगभग 1 साल का मिलता है और मोटर का जो वारंटी है वो आपको पूरा पूरी 1 साल का ही मिलता है। यहाँ पे बैटरी का वारंटी 2 साल तक जाता है और मोटर का वारंटी जो है वो 1 साल तक ही जाता है। अभी आइए आपको यहाँ से अंदर से मैं दिखाता हूँ उसका सीट स्टोरेज। सीट स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे पुश ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखिएगा, नजदीक से देखिएगा तो आपको यहाँ पे पुश ऑप्शन करके कुछ ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हो ना ये रखा हुआ सामान, इसमें है आपका चार्जर। यहाँ पे आप देखोगे चार्जर है। चार्जर की मैं आउटपुट की बात कर लेता हूँ तो 60 वोल्ट का ये चार्जर है। ये जो आप चार्जर हमारे सामने देख रहे हो ना ये 60 वोल्ट का चार्जर है जो कि 4 एम्पियर के साथ ऑटो कट है। अब भैया ये ऑटो कट क्या होता है, आपको ऑटो कट मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप रात के समय में ये गाड़ी को चार्ज में लगाकर आप सो गए तो होगा क्या कि आप तो 10 घंटा 8 घंटे सो गए,
ये गाड़ी 6 से 7 घंटे 5 घंटे में चार्ज हो जाती है, तो वहां पे जैसे ही आपका ये गाड़ी फुल चार्ज होगा ना, ऑटो कट हो जाएगा, यानी आपके गाड़ी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज ना, ये पूरा गाड़ी का कंप्लीट कटआउट आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, नजदीक आकर थोड़ा सा आप दिखाइए। यहाँ पे देखिए, ये जो MCB है ना, इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ से ये गाड़ी का पूरा कंट्रोलिंग देखने को मिलता है। तो आपको मैंने बता दिया मोटर कैसा है इस गाड़ी का, आपको बता दिया बैटरी कैसा है। सबसे बड़ा चीज जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल में या इलेक्ट्रिक कोई भी गाड़ी है ना, उसमें सबसे पहले लोग यही देखते हैं कि भैया मैं अगर गाड़ी खरीदूंगा तो मेरे को बैटरी कैसा मिलेगा। तो ये ट्रिक्स में मैं आपको क्लियर बता दिया, 2 बैटरी मिलता है। अगर आप लीड एसिड खरीदना चाहते हो तो लीड एसिड भी मिलेगा, लिथियम खरीदना चाहते हो तो लिथियम भी मिलेगा, दोनों आपको चार्ज हो जाता है 5 से 6 घंटे में। लीड एसिड का जो रेंज है वो आपको 80 से 90 किलोमीटर का मिलता है, और लिथियम का जो रेंज है ना वो आपको 120 से 130 किलोमीटर का मिलता है। ये तो क्लियर हो गया। 1000 वाट का आपको BLDC का मोटर मिलता है जो कि पीछे वाले टायर से कनेक्टेड है। अब आइए चलिए आपको इसका थोड़ा सा लुक दिखा देते हैं। लुक की अगर मैं बात कर लूं तो आप यहां पे देखोगे, सबसे पहले मैं आपको फीचर्स बताता हूं इसमें फीचर्स क्या क्या है। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए भैया, यहां पे आपको कुछ 2 स्मार्ट की आपको यहां पे मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोलिंग बटन मिलते हैं, अभी मैं आपको हर एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले ये हमारा लॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया, ये आपको साउंड करेगा और ये आपको हजार्ड के साथ लाइट जलेगा। यहाँ पे आप एक बार चेकआउट करना, एक बार जैसे इसको मैं लॉक कर दिया, ये देख रहे हो साउंड, सुनो, लॉक कर दिया, अभी मैं इसको अनलॉक कर दिया, ये देखो यहाँ से ऑटोमेटिक ये करेगा। तो होगा क्या इसे कि आप कहीं गाड़ी को पार्क किए हो, कोई बच्चा वच्चा अगर आपके पास आके गाड़ी को आपका पूरा छेड़छाड़ कर रहा है, तो आप बस ये बटन को करोगे तो ऑटोमेटिक वो भाग जाएगा कि भाई ये क्या सायरन है। तो ये सब सारा चीज है। एंटी थेफ्ट अलार्म भी है इसमें, व्हील लॉक भी होता है, ये गाड़ी का जो चक्का है ना वो भी लॉक होता है। गाड़ी तो लॉक होता ही होता है भैया, इसका चक्का भी लॉक हो जाता है, इसका चक्का भी आगे पीछे नहीं बढ़ता है। चलिए अब आइए फ्रंट का लुक आपको दिखाते हैं। तो फ्रंट में आप देखोगे LED लाइट्स आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से मिल जाते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको मैं इसका फ्रंट का लुक दिखा दूं, तो यहाँ पे डेल्टी का स्टीकर मिल जाता है। बाकी आपको लाइटिंग सेक्शन आप देखोगे यहाँ पे मिल जाता है, कुछ इस टाइप का आपको फ्रंट का बिल्कुल फाइबर बॉडी के साथ लुक मिलता है। वहीं मैं बात कर लेता हूं इसकी फ्रंट टायर सेक्शन की ना, तो आप यहां पे देखोगे कंपनी TVS का टायर प्रोवाइड कराता है, अलॉय व्हील के साथ देता है। 3.0 का 3 इंच का आपको इसका फ्रंट का टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। वहीं फ्रंट की सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, तो आप यहां पे देखोगे कि टेलीस्कोपिक टाइप का फ्रंट का सस्पेंशन है। और भैया ये सस्पेंशन में ये जो बूस्ट दे दिया है ना, इससे इसकी सस्पेंशन की लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पे धूल मिट्टी लगेगा नहीं, और जब धूल मिट्टी लगेगा नहीं तो इसका जो सस्पेंशन का जो लाइफ है ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर चलना चाहिए 2 साल तो ये चलेगा 3 साल, क्योंकि ये ज्यादा सेफ है। और सबसे बड़ा चीज होता है कि आप मेंटेनेंस कितना करते हो, जितना अच्छा आप गाड़ी को मेंटेनेंस करते हो उतना ही ज्यादा आपका ये गाड़ी आपका साथ देता है। इसके साथ साथ आपको मैं यहां से दिखा देता हूं इसकी लेग स्पेस की ना, तो आपको मैं सबसे पहले यहां पे लेग रूम दिखा देता हूं। तो भैया ये गाड़ी को चलाने के लिए आप अगर ऐसे बैठते हो तो आपके साथ ये जो स्पेस है ना ये काफी ज्यादा बच जाता है। साथ ही साथ अगर आप पैर को यहाँ करते हो तो आप अपना कोई भी लगेज को यहाँ पे रख सकते हो, जैसे कि सिलेंडर हो गया, पानी का जार हो गया, आप कोई भी सामान आप यहाँ पे इजिली कैरी करके चल सकते हो। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ नजदीक आकर, तो ये देखिए सामान टांगने के लिए एक होल्डर भी मिलता है। और इसके साथ साथ इस साइड से अगर आके आप दिखाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे देखिएगा USB चार्जिंग का सॉकेट देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो USB चार्जिंग का सॉकेट मिलता है, आप आराम से अपने फोन को यहाँ पे चार्ज करा के यहाँ पे इजिली रख सकते हो। अब आइए चलिए दिखाते हैं इसका मीटर कंसोल कैसा है। तो सबसे पहले तो हैंडल बार आप देखोगे कुछ इस टाइप का आपको इसका हैंडल बार देखने को मिलेगा चाबी लगाने के बाद। अभी मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूं, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेडी का ऑप्शन, यहाँ पे दिखेगा बैटरी का ऑप्शन, आप नजदीक से देखोगे तो बैटरी का ऑप्शन दिखेगा। स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे दिखाता है 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसका टॉप स्पीड जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पूरा ऑडोमीटर दिखाता है, पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, किलोमीटर, आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिखाएगा और भी तमाम सारी चीजें आपको यहाँ पे MECU इंजन बैटरी का वार्निंग, ये सब सारा चीज आपको ये गाड़ी में देखने को मिल जाता है। अब आइए आपको इस साइड से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इसका जो पीछे का पोर्शन है ना, यहाँ पे आप देखोगे कि ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, काफी शानदार ग्रैब हैंडल मिलता है। पीछे का जो टायर है ये अलॉय व्हील का नहीं मिलता है, क्योंकि भैया इसमें पीछे में ही मोटर लगा हुआ होता है। बाकी पीछे की सस्पेंशन की बात करें तो आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप का आपको इसको रियर का सस्पेंशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस गाड़ी की ओवरऑल मैं लेंथ के बारे में बात कर लेता हूँ ना, तो इसकी जो ओवरऑल लंबाई है ना वो आपको मिलती है 1850 mm के आसपास इसकी ओवरऑल लंबाई मिल जाती है। ओवरऑल मैं चौड़ाई की बात कर लेता हूँ तो 700 mm की चौड़ाई मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 190 mm के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, भैया काफी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। आप कैसा भी रोड हो आप आराम से गाड़ी को पार कर सकते हो, आपका गाड़ी सटेगा नहीं। साथ ही साथ इस गाड़ी का जो टोटल कर्ब वेट है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, 57
केजी का आपको इसका कर्व वेट मिलता है भैया, 57 केजी के आसपास आपको इसका कर्व वेट मिलता है। तो ये था डेल्टिक का ड्रिक्स मॉडल जिसका मैं आज रिव्यू किया। अभी बात करते हैं कि भैया इसका प्राइस कितना है, लिथियम से लीड में कितना प्राइसेस आ जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि जो लिथियम का है ना बैटरी, इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। ऑन रोड प्राइस जो पड़ेगा लिथियम का 85,000 के आसपास ऑन रोड पड़ता है लिथियम का। वही अगर आप लीड एसिड का खरीदते हो तो भैया आपको मिल जाता है 65,000 में आपको लीड एसिड मिलता है, जो मैक्सिमम रेंज जो है ना आपको 80 से 90 किलोमीटर देगा एक बार 5 से 6 घंटा में फुल चार्ज करा लेते हो तो। साथ ही साथ अगर आप लिथियम बैटरी खरीदते हो तो 85,000 रुपया ऑन रोड प्राइस पड़ता है, और वहीं जो आपका रेंज है ना वो 120 से 130 किलोमीटर, ये गाड़ी देता है 25 किलोमीटर प्रति आवर के टॉप स्पीड से। बाकी आपको ये गाड़ी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो झारखंड के डाल्टनगंज पलामू डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो तो स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है देवी इलेक्ट्रिक का, आप देवी इलेक्ट्रिक शोरूम में जा सकते हो, वहां पे ये गाड़ी अवेलेबल है, वहीं से मैं लेकर ये रिव्यू कर रहा हूं। तो थैंक्स टू देवी इलेक्ट्रिक जिन्होंने ये गाड़ी मेरे को प्रोवाइड किया है स्पेशली रिव्यू करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।